प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को 56 इंच की छाती वाला बताते हैं, भाजपा के नेता समर्थक उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। गुजरात चुनाव के जब नतीजे सामने आए, भाजपा को 156 सीटें मिली, यानी अब कहेंगे ढोल पीट करके कि देखिए मोदी जी का 56 इंच की सीना नहीं बल्कि 156 इंच का सीना है। गुजरात में अब तक तो 27 साल थी, अब 32 साल तक के लिए भाजपा की सरकार हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को बार 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 लोगों के सामने एक सताए हुए, एक जो है लगातार जिसके ऊपर जुल्म बढ़ रहा है, जुल्म किया जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे नेता की तरह से अपने आप को पेश करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद में देर शाम कल भाजपा के मुख्यालय दिल्ली के अंदर, जिसको कई सारे लोग कहते हैं 5-स्टार होटल जैसा है, वहां पर वो पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसको सुनना चाहिए आपको। दो लाइनें मैं आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब यकीन मान करके चलिए कि आपके ऊपर जो मोदी मोदी सामने चिल्ला रहे थे लोग, कि आपके ऊपर और मेरे ऊपर जुल्म बढ़ने वाला है। ये कौन जुल्म करेगा, समझ में नहीं आता है मुझे। आप बताइए इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात में इतनी प्रचंड जीत के साथ में जीत करके आए हैं, और फिर भी अपने आप को जो है वो कह रहे कि जुल्म बढ़ने वाला है और आप लोगों पर और मुझ पर जुल्म किए जाएंगे। ये कौन जुल्म कर रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, और बार बार कब तक जो है वो लोगों के सामने आ करके अपनी बात कहने की बजाय ये बताने की बजाय कि हां गुजरात में अगर जीत मिली है तो मोरबी के अंदर जो 130 लोग मरे थे उनकी आत्मा को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, उनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिल पाया है, हम उनको न्याय अब देंगे, अब तक तो चुनावी मजबूरियां थी। बताना चाहिए इस बात, बताना चाहिए इस बात को कि बेरोजगारी और महंगाई, उस पर हमने बहुत रेत डाली, बहुत उस पर मिट्टी डाली, लेकिन अब उस पर बात होगी। और उल्टा कहते हैं जुल्म बढ़ने वाला है, यानी क्या महंगाई और बेरोजगारी और बढ़ेगी, लोग और गाली देंगे, सोशल मीडिया पर और गालियां पड़ेंगी, और उसके बाद में हम जैसे जो लोग हैं वो सरकार को और जो है वो आईना दिखाएंगे, और फिर उसी लिए जो है वो अपने उन भक्तों को तैयार किया जा रहा है कि देखिए गली गली में अब आपको और गालियां सुनने के लिए मिलेंगी। मोदी जी आगे कहते हैं कि हमें अब अपनी शक्ति को बढ़ाना है, हमें और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को, अब 130 लोग मर गए मोरबी के अंदर, अब जीत गए मोरबी, मोरबी भाजपा जीत गई, और वहां पर भी जीत गई जहां पर बिल्किस बानो को संस्कारी कहने वाला विधायक था, वहां पर भी भाजपा जीत गई। वो जो विधायक था भाजपा का मौजूदा और जो उम्मीदवार था जिसने संस्कारी बताया वो जीत गया। मोरबी के अंदर भाजपा जीत गई जहां पर 130 लोग मरे, और जितने लोग मरे हैं उतने कम लोगों से भाजपा जीती है, मान करके चलिए 11-12 हजार से जीती है, तो 11-12 हजार प्लस में 130 और होते। लेकिन आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, आपको तो गुजरात ने उठा करके 99 से 156 पर बैठा दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन आप अब भी जुल्म की बात करते रहे, कमाल की बात है। मैंने पूरे घर की चाबी आपको सौंप दी, जितना धन संपदा थी, जितने पैसा था, सब आपको सौंप दिया, और उसके बाद में आप क्या कहते हैं, उसके बाद में आप अब भी कह रहे हैं कि मुझ पर जुल्म होने वाला है। आप इस घर को कैसे चलाएंगे, इस घर को इस कैसे संभालेंगे, वो आप बताइए। अब भी आप जो है वो पुराना अपना राग अलाप रहे, सुनिए जरा एक बार। आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया है, हर आलोचना में से हमारे काम की चीज में खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है, और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। ये वाकई एक विचार करने वाली बात है, और इस पर किसी को रिसर्च करनी चाहिए, खोजबीन करनी चाहिए कि क्या देश में कोई और ऐसा कोई और नेता हुआ था,
या दुनिया में कोई और ऐसा नेता हुआ है जितनी इतनी प्रचंड बहुमत के बाद में भी जिम्मेदारी की बात वो कहने की बजाय और कह रहे कि नहीं अब जुल्म और बढ़ने वाला। ये जुल्म और क्यों बढ़ेगा? लोग तो आपको झोली भर भर करके प्यार कर रहे हैं, छोड़ दीजिए वो मुट्ठी भर लोग, उनका तो कोई वो है ही नहीं। 156 सीट जब आपकी आ गई तो मान करके चलिए पूरा गुजरात आपके साथ में है, जब 303 सीटें यहां पर आई तो मान करके चलिए पूरा देश आपके साथ में है। तो देश के ऊपर ये महंगाई का जुल्म क्यों? देश के ऊपर बेरोजगारी का जुल्म क्यों? देश में लगातार हादसे हो रहे हैं उसका जुल्म क्यों? इस बात का जवाब देने की बजाय अपने आप को जो है वो दोषी की तरह से, अपने आप को एक विक्टिम की तरह से, पीड़ित की तरह से जो है वो दिखा देना, ये कमाल की बात है। और शायद ये नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, ऐसा देश में शायद और कोई नेता कर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर और कोई नेता करेगा तो मीडिया उसकी खालू देड़ देगा, मीडिया दिखाएगा कि देखिए ये जो ये बोल रहे हैं लेकिन सच्चाई ये है। अब मोदी जी बोल रहे हैं और फिर दूसरा उनके बगल में जो बड़ी बड़ी शानदार शानदार फोटो चलती रहती है, कोई चिकर ही नहीं है कहीं पर भी। अब तो कम से कम चुनाव चले गए हैं, आगे चुनाव कोई आने अभी टाइम बाकी है, तो कम से कम अभी तो जो है वो 4 महीने 5 महीने जो है वो कम से कम देश के मुद्दों पर बात हो। देश की महंगाई, बेरोजगारी, लोग परेशान हैं। गुजरात भले ही आप जीत गए लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एमसीडी में आप हार गए, आप हिमाचल में हार गए, आप कई उपचुनाव में हार गए, लेकिन मीडिया केवल गुजरात की बात करेगा और किसी की बात नहीं होगी। आश्चर्य की बात यह है, आप खुद हैरान होंगे इस बात को सोच करके, जरा कभी एक मिनट के लिए शांत बैठ करके सोचिए इस बात को कि एक चुनाव हारने वाले की वाह वाह और बाकी सारे चुनाव जिसने उसी व्यक्ति ने हारे हैं उस पर बिल्कुल चुप्पी। गुजरात जीत गए तो मतलब ये मैजिक वो मैजिक, मोदी की हवा ये हवा वो हवा, 156 इंच का सीना फला ढमका टमका लमका, लेकिन वहां पर हिमाचल में सुपड़ा साफ, वहां पर कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। 15 साल की सत्ता थी, मोदी के नाक के नीचे से सत्ता चली गई लेकिन वहां पर कोई चर्चा नहीं। कई उपचुनाव के अंदर जो है वो कैसी फजीयत हुई है वहां पर कोई चर्चा नहीं, चर्चा गुजरात की हो रही, मानो गुजरात ही पूरा देश है और देश में कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, गुजरात अगर हार जाते, मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गुजरात ही देश है, गुजरात देश नहीं है, पूरा देश देश है, गुजरात देश नहीं है। अगर यही चुनाव मोदी जी गुजरात हार जाते और हिमाचल जीत जाते तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज के दौर की मीडिया इतनी बेकार हो चुकी है, वो सवाल उठाना तो बहुत दूर की बात हो गई है, वो हिमाचल को गुजरात से बड़ा बना देते, गुजरात के जो चर्चा है उसको छोटी कर देते कि वो तो वहां पर तो 27 साल से एंटी इनकमेंसी थी, वहां पर तो होना ही था, मोदी जी को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, वहां पर कोई और जो है वो लोकल लीडरशिप पनप नहीं पाई, भूपेंद्र पटेल जो है वो लोकप्रिय चेहरा नहीं थे, लोग उनको जानते नहीं थे, फिर ये लाइनें हो रही होती। अब मोदी मैजिक है, मोदी ने किया है, वो मोदी की लहर है, मोदी का गढ़ था, मोदी की लोग मानते हैं, मोदी के नाम पर वोट पड़ा है, अब ये चीजें हो रही है। तब अगर हार जाते तो सारा जो स्टेट लेवल की जो लीडरशिप है उसके ऊपर दोष मढ़ा जाता, भूपेंद्र पटेल को जो है वो वहां पर बलि का बकरा बना दिया जाता। और अगर हिमाचल जीत जाते तो हिमाचल में देखिए, फिर हिमाचल में जो है पहाड़ी लोग साथ में है, मोदी जी ने कहा था हिमाचल से मेरा पुराना रिश्ता है, वो लोगों के साथ में कनेक्ट हुआ है, उस तरह की बात होती। तो बहरहाल समझिए, समझाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लोग समझें कि किस तरह से जो है वो आपको कहां पर, यहां पर तीर का निशाना है और आपको तीर दिखाया वहां जा रहा है, लगना तीर यहां पर है और निशाना आपको उधर दिखाया जा रहा है, इस बात को आप समझिए। आप खुद बताइए कि अब जुल्म की बात होनी चाहिए या अब जो है वो काम की बात होनी चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं खूब पढ़ूंगा, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर